और वैश्विक महामारी बन चुकी कोविड-19 की लड़ाई हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा है। जहां ज्यादातर लोग घरों में रहकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रथम पंक्ति के योद्धाओं के लिए भामाशाहों की इस पहल को स्थानीय लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। कोतवाली थाने में मौके पर पहुंचकर सारा समय संवाददाता बीकानेर के सिंह ने जायजा लिया। कोरोना का कहर मरु नगरी बीकानेर में भी बराबर जारी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के कोटवाली थाना में, जहां पर दरअसल कोरोना से जो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, और बचाव के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करना सबसे बड़ा एक तरह से उपाय है। और यहां पर कुछ नवाचार के तहत यहां पर मिस्ट पंखा लगाया गया है, जो कि बराबर यहां देख सकते हैं कि ये पंखा है वो किस तरह से चलता है। ये पंखा देखिए बराबर चलता है, और ये पंखा चलने के बाद में यहाँ पर ये लोग हैं जो सैनिटाइज हो जाते हैं। देखिए किस तरह से ये इसका मकसद है, मुख्य द्वार में आने के बाद में सैनिटाइज हो जाना। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बूथ भी लगाया गया है, जिसको सैनिटाइजर चैम्बर कम बूथ भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर भी जवान देखिए आते हैं और बराबर यहाँ से निकलते हैं, और ये पूरी तरह से एक तरह से सैनिटाइज हो जाते हैं। देखिए पूरी तरह से प्रयास बराबर यहाँ पर होता है, और ये लोग बराबर एक तरह से कहा जा सकता है सैनिटाइज हो जाते हैं। हमारे साथ थाना अधिकारी नवनीत जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे, ये नया जो सैनिटाइज का जो प्रयास है उसके लिए क्या कहेंगे? सर, ऐसा है जो हमारा कोतवाली क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी पेशेंट मिले थे कोरोना के, जिसके तहत एहतियात तौर पर हम सभी जवानों के लिए जो ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं उनको एक सैनिटाइज कक्ष व एक सैनिटाइज पंखा हमने तैयार कराया, जिससे बाहर ड्यूटी करके आए तो सबसे पहले सैनिटाइज हों, उसके बाद ही थाने में प्रवेश करें, इससे उनका भी बचाव रहे, दूसरे भी बचे, ये प्रयास हम करें। तो ये इस आइडिया की अगर बात करेंगे, एक तरह से नवाचार है, तो मिस्ट पंखा लगाया गया है, उसके अलावा सैनिटाइजर बूथ बनाया गया है, इस नवाचार के पीछे क्या किस तरह से सोच रहा, या ये कहाँ देखा गया इस तरह का? कई बार शादी समारोह में देखे इस तरह के पंखे लगे हुए थे, जहाँ इसमें खुशबू और पानी आती थी, तो उसी तरह हमने देखा कि इस तरह का पंखा हम लगा देते हैं, जिससे क्या है कि पूरी तरह से आदमी सैनिटाइज हो सके। चैम्बर के अंदर सैनिटाइज पूरी तरह से नहीं हो पाते कई बार, इससे तेज पंखा आता है, इससे पूरी बॉडी पे सैनिटाइजर गिरता है, उससे सैनिटाइज हो जाता है कोई, ये सबसे अच्छा लगा चीज को लगा दिया। तो फायदा पहुंच रहा है लोगों? बिल्कुल फायदा पहुंच रहा है, बिल्कुल स्वस्थ। तो देखिए बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए और कोरोना से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है सैनिटाइज किए जाना, और ये सैनिटाइज का एक अच्छा तरीका कहा जा सकता है कि मिस्ट पंखा और उसके बाद इस तरह का सैनिटाइजर बूथ, क्यों ना, है ना, एक सक्सेसफुल रहने के लिए एक अच्छा तरीका। के सिंह, सारा समय बीकानेर।